आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल की क्लासेस में हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल्स। क्या कि पेस्ट स्पेशल होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कॉपी पेस्ट, जो कि आप यूज करते हैं कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, जैसा है उसी के पेस्ट हो गया। लेकिन पेस्ट स्पेशल क्या है कि आपको परमिशन देता है कि आपने जहां से कॉपी किया है उसका पूरा का पूरा पार्ट आप पेस्ट ना करें। जहां से आपने कॉपी किया है वहां से पूरा का पूरा पार्ट आप पेस्ट ना करें, राइट। तो इस पे राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि मैंने फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके किया तो इसने फॉर्मूला पर पेस्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, उसको पेस्ट कर दे विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। अभी मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा है तो हर बार ये अपना नंबर चेंज करता है, तो प्लीज इस पे आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू, मतलब कि मुझे सब कुछ रिमूव करना है, साथ में फॉर्मूला भी रिमूव करना है। तो जो यहाँ जैसे कि 61, 27, 76 है जो नंबर है, ये सिर्फ जैसे नॉर्मल कॉपी पे नॉर्मल हमारा जो टाइपिंग वाली होती है वैल्यू, उस तरह से यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। पेस्ट स्पेशल जब हम करते हैं तो पेस्ट स्पेशल में हमारा फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूला बार को उठाकर पेस्ट करेगा, उसमें फॉर्मूला वगैरह सब वर्किंग होगा, बट पेस्ट एज ए वैल्यू में आपका सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा, ना कोई फॉर्मूला ना ही कोई फॉर्मेटिंग। लेकिन मुझे फॉर्मूला रिमूव करना है, मुझे कॉपी करके कहीं और पे फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट नहीं करना है, हमें फॉर्मूला रिमूव करना है। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कॉलम में फॉर्मूला लगा होगा, मैं चाहता हूँ इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाए और इसकी वैल्यू आ जाए, 67 जाए, इस तरह से आ जाए। तो हम इस कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे एंड ओके। अब देखिए इसका फॉर्मूला रिमूव हो गया, हो गया सर, इसका फॉर्मूला रिमूव हो गया। अब इसका यूज हम ऑफिस के रिपोर्ट्स में बहुत करते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं, हमने एक रिपोर्ट यहां पे लेते हैं, नहीं ये तो इसमें फॉर्मूला कम है, चलिए हमने फाइनेंशियल डैशबोर्ड लिया, ये वाली फाइल बंद कर देता हूं। चलिए अब इसमें आप एक बार देख लीजिए, यहां पे ये रिपोर्ट बना हुआ है हमारे इस डेटा से, राइट। मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट भेजना है या क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना है, तो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि डेटा हमारी काफी लार्ज है, तो हम इसको मेल में अटैच करके नहीं भेज सकते, फाइल काफी बड़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगा हुआ है, जिस कारण से ये बहुत स्लो परफॉर्म करता है। तो बॉस को सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है, ये आंकड़े से मतलब है, इसके अंदर लगा फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं। दूसरा कि हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, हम क्लाइंट को डेटा नहीं भेज सकते सिक्योरिटी पर्पज से, तो मुझे इस फाइल को बाहर निकालना होगा, इस सीट को अलग फाइल, क्योंकि मुझे दो सीट है, मुझे इसमें से एक ही भेजना है। तो हम व्यू वाले पे राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी पे चले जाते हैं। कहां जाएंगे, मूव एंड कॉपी। ध्यान रखिएगा यहां क्रिएट कॉपी पे क्लिक जरूर कीजिए, वरना ये मूव हो जाएगा। हम एक नई फाइल में जाइए तो यहां न्यू बुक को हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो पूरी की पूरी सीट कॉपी हो जाएगी और एक नई फाइल पे आ जाएगी, देखिए आ गए सकते हैं। बट यहां भी प्रॉब्लम है, अभी तो मेरा सब कुछ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये फाइल हमारे पास ओपन है फाइनेंशियल डैशबोर्ड की, बट यहां पे आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है। अब मेरे सिस्टम पे फाइनेंशियल डैशबोर्ड है तो आपको यहां दिख रहा है, मैं अगर फाइल क्लोज भी कर देता हूं फिर भी ये रिपोर्ट पे दिखेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में दिख रहा है, क्योंकि मेरे इस ड्राइव में आप देखेंगे यहां पे इस ड्राइव में मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है।
बट जिस क्लाइंट को या फिर जिस हम किसी को जिस पर्सन को हम मेल कर रहे हैं उसके पास कोई फाइल हो कि नहीं, तो वहां पे हो सकता है फाइल ए फॉर्मूला सही तरीके से वर्क ना करे या वर्क ही ना करे। तो मुझे मैं चाहता हूं कि सारे फॉर्मूले रिमूव हो जाए। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा है, कुछ यहाँ पे लगा है, कुछ नीचे लगा है, तो इस तरह से कहीं कहीं भी फॉर्मूला लगा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप यहाँ जो ए के बगल में जो रेक्टेंगल होता है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही पूरी की पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो गई, ठीक है सर। फिर हमने इस पर कॉपी किया और राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल, और इस पे हमने कर दिया पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके किया। तो देखिए ये आपका रिमूव हो गया, बट चार्ट्स वगैरह जैसा है वैसा ही रहा, उसके कुछ हिसाब नहीं हुआ। तो पेस्ट स्पेशल का यूज हम इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इसमें से सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब कि जो कलर और बॉर्डर और फॉन्ट वगैरह वो चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में आप फॉर्मेट ले सकते हैं। कमेंट जैसे अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे देना है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और करते हैं यहां पे न्यू कमेंट। अच्छा ये क्या हुआ सर, न्यू कमेंट का क्या मतलब है? न्यू कमेंट मतलब कि इसमें हम यहां पे दे देंगे सीट फाइनल, हमने पोस्ट कर दिया इसको। अब क्या हो गया कि ये नहीं दिखेगा, ये कब दिखेगा, जब मैं इस पे अपना माउस पॉइंटर ले जाऊंगा। अच्छा जी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई ना, हेल्प आ गई, ठीक है आ गया, ठीक है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दिया, तो मुझे सिर्फ इसका जो एक कमेंट है, एक कमेंट ही पेश करना है, ना इसका डेटा ना इसका फॉर्म है। तो यहां हम आएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहां पे हम जस्ट कमेंट्स को कर लेंगे एंड ओके। आप देखिए सिर्फ कमेंट ही पेस्ट हुआ, बाकी कुछ चीज को पेस्ट नहीं किया गया। ओके अब इसमें आता है नो बॉर्डर, कि मुझे इसमें सब कुछ पेस्ट हो बट बॉर्डर पेस्ट ना हो, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर कीजिए। अब बात करते हैं कॉलम पे, जैसे अभी आपने रिपोर्ट पहले देखा तो उसमें क्या था कि कॉलम की साइज को हमने अपने हिसाब से कम और ज्यादा किया हुआ था ताकि एक व्यू पे प्रिंट हो एक सही तरीके से दिखे। बट अब किसी डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट करते हैं तो उसकी कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होती, कॉलम विड्थ चाहिए। तो इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, यहां आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, पेज स्पेशल में एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी में आप एक ही तरह से कर सकते हैं, पेज स्पेशल में जैसे ये जो पेज की कैटेगरी इसमें से कोई एक कर सकते हैं, ऑपरेशन कोई एक कर सकते हैं, चेकबॉक्स दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। चेकबॉक्स में मल्टीपल होता है कि आप जितना मर्जी उतना सिलेक्ट कर, ठीक है। अब इसमें जैसे आपकी बात है कि मुझे दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल आप करते हैं तो कॉलम विड्थ मीन जस्ट आपको कॉलम का विड्थ देता है डेटा ने। अब डेटा और विड्थ दोनों चाहते हैं कि मुझे दो बार पेस्ट ना करना पड़े, एक बार डेटा एक बार कॉलम विड्थ मुझे पेस्ट ना करना पड़े। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां राइट क्लिक करते समय जो आइकन होता है ना सर, इस आइकन में हम यहां पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका दोनों पेज कर दिया।
ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी सर। अब इसमें आगे चलते हैं, इसमें आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ डेट डाल दूँ, डेट को नीचे तरफ हम ड्रैग कर देते हैं और इसपे भी हमारा जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सर इसमें एक चीज कभी कभी समझ में नहीं आती, जब हम ड्रैग करते हैं, जैसे आप अगर आप एक लिखते हैं उसको मैं ड्रैग करता हूँ तो वो एक 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 ही आता है, ठीक है। और जब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं ए लिखता हूँ, जैसे आपने एक लिखा और यहाँ दो लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट करके करेंगे तो सीक्वेंस है, तब तो आ जाएगा वो। हाँ, खाली एक को करूंगा तो नहीं आएगा, है ना? नहीं सही। तो ऐसे कैसे होता है, मतलब जैसे ये क्या मैं लिस्ट में डाला हुआ है इसलिए है ऑप्शन? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली जब आप यहाँ वन लिखते हैं तो नीचे हम जब ड्रैग करेंगे तो सिस्टम को पता नहीं चलता है गैप कितने के देना है, जब वन एंड टू कर देते हैं तो सिस्टम को पता चल जाता है कि इनके बीच में एक एक का गैप करना है। तो जैसे अगर हम ये चीज डेट में देखें, अगर 1 जुलाई तो 1 जुलाई करने के बाद सीधा 1 जुलाई आना चाहिए ना, 2 जुलाई, 3 जुलाई। डेट में फैसिलिटी है, वो समझ जाता है कि जब डेट ड्रैग करेंगे तो ये आपका डेट इंक्रीज हो रहा है, तो एक एक इंक्रीज करेगा। मुझे अगर दो दो डेट इंक्रीज करनी है तो मुझे यहाँ पे वापस दो डेट लिखना पड़ेगा। ओके, आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। 11 आएगा, ठीक। अब जैसे कि डेट हमने लिखा और डेट को हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके और हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ हम करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। तो क्या होता है इस तरह का राइट, नंबर क्या है पता है सर आपको? हाँ जी पता है। क्या बताइए? ये बेसिकली होता है जब से आपके कैलेंडर बनाना तब से आज तक का टाइम। जी हाँ सही। अगर आप ऐसा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कॉपी करके आप जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि आप वैल्यू इज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला जनरेटर में इन दोनों के जगह पे आप इन दोनों का यूज करें जब आपके सिस्टम में कोई डेट टाइम या नंबर, सिर्फ डेट ही की बात नहीं हो रही है, तो इसको पेस्ट जो वैल्यू करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर फॉर्मेट लेके आता है, ये पूरा नंबर फॉर्मेट आपकी सारी फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता है, बस इसी नंबर फॉर्मेट को रखता है। तो डेट के लिए आप कह रहे हैं कि नंबर वाला फॉर्मेट यूज करूं ना? या समझे सर? हाँ जी सर, नंबर। आगे बढ़े, एक सेकंड, बस एक बार ऑप्शन और दिखा दीजिए प्लीज, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं कहीं भी। हाँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल। सांसद में बेटे को भी पढ़ाना होता है सर, स्कूल बंद है तो क्या करें, हमारे सब वैल्यू नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। कौन सी क्लास में है? यूकेजी में गया है, 6 साल है, 5 साल में पूरा हुआ, 6 साल में। तो आप अच्छा, सो आप का बेसिकली सर ये क्या कहते हैं, फुल टाइम है क्या ये एक्सेल का? और नहीं, फुल टाइम नहीं है। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं? अब आपके पास आपकी जॉब नहीं करते, हमारा अपना बिजनेस चलता है। अच्छा, मैं हमारा जो है इसका है कंपोस्ट का हमारा प्लांट है। ओके, और बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मेडिसिन वगैरह की खेती करते हैं। अरे वाह, जैसे डेली वेली आते हैं कभी क्या? मेंथा ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया, आपका गम स्टिक हो गया, आप डेली आते हो कभी?
नहीं वो वहाँ पे लव है, बस हम सैटरडे संडे को जाके मैनेज करते हैं। एक ऐसा एग्रीकल्चर ही जैसे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेली उस पर अटेंडेंस की जरूरत नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली दिल्ली में ही रहते हैं हम, दिल्ली में पहले क्या ये सब चीज़ डैड संभालते थे हमारे, अब डैड क्या है कि उनका एज हो गया है, वो बीमार हो पड़ने लगे। आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में, दक्षिणपुरी। अच्छा दक्षिणपुरी में, अच्छा 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 ओके। मैं तो द्वारका रहता, अभी फिलहाल मैं बिहार में हूँ। वो बेसिकली वो आया था दीपावली इस पे, होली की छुट्टी पे आया था, और दिल्ली का सब केस सुना, मुझे पता चल गया कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं रह गया वापस नहीं गया। अब तो आराम से जाऊंगा, अब अगले साल ही जाऊंगा, इस साल जाने का कोई प्लान नहीं है। वो तो कहते हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल होते होते दिसंबर हो ही जाएगा। बिल्कुल अच्छा है यही पर है। समझे? तो यहाँ पे वैल्यू आगे बढ़े। अब बात ऑपरेशंस की, ऑपरेशन क्या क्या करता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 20 लिया और यहाँ पे 30 लिया, राइट? मैं 30 को कॉपी करूं और 20 के ऊपर पेस्ट कर दूं तो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन आप अगर पेस्ट स्पेशल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपने अपना ऑपरेशन में एड सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये आपको 30 और 20 कैलकुलेट होके यहाँ आपका 50 हो जाएगा। क्या कर दिया आपने ऑपरेशंस में, क्या कर दिया सर? बहुत जल्दी एड सेलेक्ट किया हमने सर। अच्छा अच्छा पेस्ट स्पेशल, ओके 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 ऐड कर दिया, ठीक है। उसका बेनिफिट समझ में आता है, इसको क्या यूज करेंगे ऑफिस में, पता है सर? हाँ क्यूमुलेटिव अगर चाहिए आपको कोई, मेरे ख्याल में नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन देखिएगा रिसर्च कीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो यूज करता था मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसे और दोस्तों लोगों ने भी पूछा है मुझसे तो उनको भी सलाह दिया। तो परसेंटेज की पहले बात कर लेते हैं कि एक्सेल में परसेंटेज का क्या रोल है। जैसे हमें 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल देंगे, ये 20% हो जाएगा। अगर आपने 20 लिख दिया और इसमें आप परसेंट का सिंबल दिए तो ये आपका 2000% हो जाता है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। मतलब कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो यहाँ पे 0.20 लिखना होगा एंड हम परसेंट का सिंबल देंगे तो 20% आएगा, राइट? हाँ जी हाँ जी। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास एक हमारे कलीग थे, वो मुझे एक डेटा भेजा करते थे, तो डेटा होता था परसेंटेज, बट मुझे वो नंबर के फॉर्म में देते थे और इस तरह से परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे। अच्छा राइट ओके। अब मुझे इसको अपने ऑफिस के जिस रिपोर्ट में यूज करना होता तो वहां पे 82% चाहिए होता है, नहीं तो फिर 82000% वैल्यू निकल जाता था, दिक्कत हो जाती। अब एक एक करके परसेंटेज का सिंबल लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम क्या करते थे किसी सेल पे 100 लिखते थे, इसको कॉपी करते थे, राइट क्लिक करते थे पेस्ट स्पेशल, और इसको हम लोग कर देते थे डिवाइड। यही नहीं, अगर इसी और होता था जैसे कि एक काम, इसके बाद हमने एक हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने भी इस तरह का सवाल पूछा था तो मैं ही दिया था, और सवाल क्या था बताया था आपको। उनके पास एक डेटा था, एक इनके पास एक डेटा था, डेटा में इस तरह के नेम्स वगैरह थे और उनके प्रोडक्ट के सेल थे, या फिर एक सिक्वेंस सेल था, एक यहां आपका टारगेट था, ये प्रोडक्ट था, ठीक है। अब क्या था कि ये हमारा टारगेट है, तो उनका कहना था कि मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे 82 कितना क्वांटिटी सेल हुआ, हमें बस ये बता दीजिए कि उन्होंने हमें रिपोर्ट जो चाहिए वो रिपोर्ट चाहिए कि पूजा ने प्रोडक्ट वन का कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। अच्छा तो मुझे मुझे मान लीजिए इसको डिवाइड करना है, 82 को डिवाइड करना है 28 से, फिर मुझे यहाँ इसको डिवाइड करना है 16 से, फिर मुझे इसको डिवाइड करना है 40 से, ऐसे आगे कंटिन्यू होता था, एक एक करके डिवाइड करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि मैं यहाँ भी इसमें कर सकते थे, फिर लेंदी जो हो जाता है यहाँ पे करो, फिर कॉपी करके फिर इसमें वैल्यू पेस्ट करो। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये भी एक फॉर्मूले से आता था, ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं एक किसी फॉर्मूले से आया हुआ है,
और फॉर्मूले को हमें रिमूव नहीं करना है, समझे? ठीक है, ये ऑलरेडी किसी फॉर्मूले से है और इस फॉर्मूले को रिमूव नहीं करना है, और हर सेल में अलग अलग फॉर्मूला है, इसे ड्रैग भी नहीं कर सकते हम। उस केस में हम क्या करते थे, इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम पेस्ट स्पेशल और हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आपने आपने जो पेस्ट करते वक्त पूरा नहीं कॉपी किया उसे लेफ्ट हैंड वाले को? पूरा किया है सर, देखिए यहाँ से तो कॉपी कर लिया, पेस्ट करते वक्त खाली आपने 53 सेलेक्ट किया। हाँ तो कोई बात नहीं सर, यहीं पे करेंगे तो पूरा होगा ना, सीक्वेंस सीरीज सीक्वेंस है ना, सेलेक्ट कर सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पेस्ट स्पेशल और इसमें हमने कर दिया यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड हो गया। आपने देखा कि इसकी जो फॉर्मूला थी उसको छेड़छाड़ नहीं किया इसमें, तो ये जो हो रहा है इस केस में डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 28 हो रहा है या 28 ऊपर है? नहीं नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय 28 हो रहा है, 82 डिवाइडेड बाय 28। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर हमने सिंपल से अब लग रहा कंफ्यूज है, यहाँ पे देखिए 5 है, 500 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं इसको कॉपी करके इसके करूंगा तो ये 500 को 5 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट आई थिंक आएगा आपका 100। हाँ जी, अगर मैंने इसको कॉपी किया है तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, ठीक है सर, इसको और यूज हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, इस लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है, इस तरह से कुछ अपडेट आया है कि जैसे 71 नहीं, यहाँ पे आपका 75 है, मतलब कुछ एरर थे या कुछ अपडेट थे। अब मुझे इस अपडेट और इस एरर को यहाँ इस पे अपडेट करने हैं, मतलब कि यहाँ इसको कॉपी करना है, इसे पेस्ट करना है, इसको कॉपी करना, इस पे पेस्ट करना है, फिर इसको 70 को कॉपी करना और इस पे पेस्ट करना है, और ये 75 को कॉपी करना और इसको पेस्ट करना है। ये तो आता है सर मुझे, एक एक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, क्या करेंगे इसके लिए? इसके आप बी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लो, स्पेशल कॉपी कर लिया, पेस्ट स्पेशल। अब इसमें एक ऑप्शन होती है, मैं बताता हूँ आपको, हाँ स्किप ब्लैंक, ठीक है, तो ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता है कॉपी में। अब इसमें एक चीज और भी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा को ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ट्रांसपोज भी आई थिंक आपको आता ही होगा। हाँ, ट्रांसपोज कॉलम का रो बना दे, सॉरी रो का कॉलम ना, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। बात करते हैं लिंक का, मतलब कि मैं चाहता हूँ जो यहाँ का है वैल्यू है यही सेम वैल्यू यहाँ भी है, या किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे, तो जनरली इक्वल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आ जाता है और फिर ड्रैग कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या कंटिन्यूस नहीं चाहिए, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो जो हिसाब है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा कॉपी कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक, जो वहाँ चेंज करेंगे वहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 के जगह पे 10 करके एंटर प्रेस किया तो देखिए चेंज, ठीक है, और सेम सीट अनदर सीट एंड अनदर फाइल पे भी होता है। ओके, अब अगला टॉपिक आता है, वो आता है पेस्ट इज पिक्चर लिंक, पिक्चर्स लिंक, किसी जो पिक्चर पे क्लिक कर दिया था पिक्चर हो गया, अब इसको अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां इसको उठा के जैसे मर्जी वैसे इसको ड्रैग कर सकते, ठीक है, इस डेटा से लिंक नहीं होगा, यहां चेंज होगा तो यहां चेंज नहीं होगा। राइट सर, अगर आप ये दूसरी शीट में करते हैं ना, ये जो पेस्ट लिंक जो करते हैं तो उसमें इक्वल लगाना जरूरी होता है? जैसे अगर आप यहाँ से कॉपी कर लिया आपने, नहीं जरूरी नहीं है, पेस्ट अगर लिंक करेंगे तो लिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पता नहीं, अच्छा करते हैं वो भी हो जाता है सर, पिक्चर लिंक, हाँ अच्छा, पेस्ट लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों, जैसे आपने कॉपी कर लिया इसको शीट टू में जाएंगे, कॉपी कर लिया और कहीं भी करना है मुझे यहाँ करना है तो आप यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इज लिंक, किसी अनदर फाइल में भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, और पेस्ट इज ए पिक्चर लिंक भी समझ में आ गया। हाँ जी, अब इसका अगला ऑप्शन है, अगला जो टॉपिक है हमारा पिक्चर लुकअप का टॉपिक है, लेकिन पिक्चर लुकअप डायरेक्ट आप ना करें तो सही, ठीक है, इससे पहले आप एक वीडियो देखें,
क्योंकि पिक्चर लुकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इनडायरेक्ट वगैरह फॉर्मूले हैं। तो मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ पिक्चर लुकअप का वीडियो, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, फिर अगली क्लास, कल की क्लास में हम बात करेंगे इस सारे। ठीक है, समझे, इसका लिंक भेज देंगे ना आज की क्लास का? आज की क्लास का मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे एक बार से एक चीज बता दीजिए अब आप, दो मिनट में, कि एक आपके